नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवानी ब्लॉग में। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए खेती की तरह तरह की जो विधियां हैं वो आप लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ गोबर खाद से खेती और उसका प्रोडक्शन कितना हैवी वाला है। आप देख सकते हैं ये मिर्ची लगा हुआ है, प्राइड है दोस्तों। ये हम लोग के खेत से जो बचा हुआ मिर्ची था उसको मर्दापाल दीदी के घर ले आए थे और यहाँ आ जा देख रहा हूँ तो इतना प्रोडक्शन है इसका कि दिल खुश हो जाएगा। आप सोच सकते हैं ये जुलाई का लगा हुआ पौधा है और इसमें ना आपको बीमारी देखने को मिलेगा और न ही जिस इसके जो उत्पादन में है कमी देखने को। जितना फल है उतना पत्ती भी आपको नहीं दिख और रहा ना ही इसमें एक बार भी दवाई का स्प्रे किया गया है दोस्तों। और दोस्तों, खास बात इसमें यह है कि जो गोबर खाद से जो पैदावार मिलती है वो देखने में और उसका जो क्वालिटी है और पौधे का जो ग्रोथ है उसमें कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और भरमार इसमें फल जो है लदा हुआ है, चार दिन पाँच दिन में तोड़ाई होता है, उसके बाद ज्यों का त्यों फिर से मिर्ची जो है आपको देखने को मिलेगा। आप फल देख के ही अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितना इससे पहले फला होगा दोस्तों। 8 महीना बाद भी इसमें हमें बीमारी देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। इसी के साथ जो लगा था हम लोग का जो खेत है वो खाली हो गया, उसमें थ्रिप्स, माइट्स और कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो अटैक करके ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, हम जो अन्य फर्टिलाइज़र का जो इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, जो हमारे लिए भी और पर्यावरण के लिए दोनों के लिए ही हानिकारक है दोस्तों। अगर घर के इस्तेमाल के लिए अगर इसी तरह का पौधा 8-10 या अपनी सुविधा अनुसार जो पौधा है वो लगाकर अपने जो डेली खाने की चीज़ में इस तरह से शुद्ध चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें और भी कुछ सब्जियां लगी हुई है, हम आपको दिखाएंगे। ये प्याज है दोस्तों, ये प्याज भी एक घरेलू इस्तेमाल के लिए लगाया गया है दोस्तों। बहुत ही छोटा सा ये गार्डनिंग है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ ऑर्गेनिक विधि से आपको देखने को मिलेगा।